नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गौरी शंकर मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज एमए फाइनल समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए पेपर 6 में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, मैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में है ना। हमने पिछली क्लास में वास्तविक सिद्धांत और शोध में क्या अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन बिटवीन एक्चुअल थ्योरी एंड रिसर्च। मित्रों, हमने कल चर्चा की थी कि शोध और सिद्धांत दोनों ही हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर आश्रित आधारित कह सकते हैं। जितना शोध सिद्धांत के लिए शोध जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही शोध के लिए सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं। बिना शोध के सिद्धांत नहीं हो सकता और शोध के सिद्धांत के बिना शोध नहीं हो सकता, तो एक दूसरे एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे शोध जितना हमारे सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा था कि शोध जो है सिद्धांत के मार्गदर्शन का कार्य करता है, सिद्धांत उसका आधार स्तंभ है और सिद्धांत के आधार पर ही नए नए शोध होते हैं, उसकी परीक्षा, पुनर्परीक्षा, परीक्षण होते हैं। आज हम देखेंगे कि जिस प्रकार सिद्धांत के लिए शोध महत्वपूर्ण है, सिद्धांत शोध का आधार होता है, जो कि निम्नांकित बिंदुओं से और अधिक स्पष्ट होगा। प्रथम बिंदु, सिद्धांत शोध की उपयोगिता को बढ़ावा देता है, सिद्धांत शोध के महत्व को बढ़ाता है। तो सिद्धांत है तो शोध का महत्व है। नेक्स्ट, शोध जितने अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित होगा, उसका निष्कर्ष उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो हमने देखा कि हमारा शोध जो है, तो जितने अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित होगा, तो उसका निष्कर्ष भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट, सिद्धांत शोध के मार्गदर्शन का कार्य करता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि सिद्धांत जो है वो शोध के मार्गदर्शन का कार्य करता है, उसे राह दिखाता है, उसे टॉर्च दिखाता है। और शोध को ज्ञान सामग्री देख करके उसे मार्गनिर्देश भी करता है। तो सिद्धांत उसके लिए एक मार्गदर्शन, मार्ग निर्देश का कार्य करता है, उसे उसके पथ प्रदर्शक का कार्य करता है और वो उसको भटकने नहीं देता है। तो सिद्धांत शोध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे रास्ता दिखाता है कि वो लेख से नहीं हटे। नेक्स्ट, शोध उन क्षेत्रों की जानकारी देता है जिसमें अतिरिक्त नए शोध की आवश्यकता है। तो शोध जो है वो नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है कि किन किन क्षेत्रों में शोध नहीं हुए। जैसा कि हमारा देश भारत, इसकी आबादी 80% ग्रामीण परिवेश की है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब एक हमारा शोधार्थी जाता है रूरल एरिया में, तो एक शोध करता है, तो
कई इंटर रिलेटेड समस्याएं जो हैं वो होती हैं हमारे सामने। अशिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, कई तरह की समस्याएं उससे सामने आती हैं। एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है, एक कार्यकारण संबंध के रूप में हम देखते हैं कि एक समस्या जो है वो कई तरह की समस्याओं को एक साथ जगड़े हुए है। गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, सामाजिक कुरीतियां हैं, कई कारण हैं ऐसे जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो उन क्षेत्रों के बारे में भी शोधार्थी को जानकारी पता चलती है कि इन क्षेत्रों में कार्य करना अभी शेष है, जिस पर अभी कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट, सिद्धांत शोध की प्रासंगिकता को परिभाषित करने में मदद करता है। तो सिद्धांत जो है वो शोध की क्या महत्ता है, शोध क्यों आवश्यक है, क्या उसकी महत्ता है, उसको परिभाषित करने का कार्य सिद्धांत करता है। तो शोध क्यों आवश्यक है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्यों शोध किए जा रहे हैं, तो उसको परिभाषित करने का कार्य शोध सिद्धांत करता है। नेक्स्ट, सिद्धांत शोध कार्य के लिए नए तथ्यों को सामने लाता है। तो सिद्धांत जो है वो शोध कार्य के लिए नए नए तथ्यों को लाता है। जब हम देखते हैं कि शोधार्थी जो है, हमारा रिसर्च स्कॉलर जो है, वो विभिन्न एरियाज में जाता है, नए नए डेटा लेकर के आता है, उससे नए और जो हमारे स्थापित सिद्धांत हैं उनके सामने वो डेटा रखता है, तो उससे नए डेटा, नए आंकड़े जो है वो हमारे सामने आते हैं, नए तथ्य जो है वो हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट, शोध का क्षेत्र असीमित होता है। तो जो हमारा रिसर्च है उसका एरिया जो है वो असीमित है। शोध का एरिया जो है वो हमारे लिए बहुत ही असीमित है, जिसको हम कहीं किसी परिधि में बांध नहीं सकते कि हमें इस एरिया में इसी बिंदु पर कार्य करना है, हम कैसे बांध सकते हैं। तो हमारा सोसाइटी जो है वो ओपन है और बहुत बड़ा है, इसमें कई तरह के बिंदु हैं, कई कई बातें हैं, तो हम बांध नहीं सकते। तो ये कुछ बिंदु थे जो शोध की महत्ता को, सिद्धांत की महत्ता को बढ़ाते थे, बढ़ा रहे हैं। इन पर हमने चर्चा की नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स मित्रों।